कटिहार के नगर थाना क्षेत्र के संतोषी चौक पर 2 सितंबर को देर रात्रि दो युवकों को गोली मारी गई, जिसमें एक युवक पप्पू सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस हत्याकांड को कटिहार पुलिस ने चुनौती के रूप में लेते हुए एक स्पेशल टीम का गठन किया और आज इस हत्याकांड में शामिल 7 आरोपियों को पुलिस ने घटना में संलिप्त होने पर कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया। वहीं घटना की वजह पूर्व की आपसी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई की बात सामने आई। कटिहार SP जितेंद्र कुमार ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए कहा, अभी भी कई बिंदियों पर अनुसंधान जारी है और हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। नमस्कार, मैं आमिर। कटिहार के संतोषी चौक पर हुए गोलीकांड का कटिहार पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। आज कटिहार नगर थाना प्रांगण में पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि वे जो गोलीकांड हुई थी वे आपसी विवाद थी, जिसको लेकर दो युवकों को गोली मारी गई थी, जिसका इलाज के क्रम में एक की मौत हो गई थी। आइए सुनाते हैं कटिहार के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार प्रेस वार्ता कर क्या कुछ कह रहे हैं। नगर थाना अंतर्गत 2 सितंबर की रात्रि को गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें दो लोग जख्मी हुए थे। उसमें नगर थाना के द्वारा 538/22 प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस केस का अनुसंधान SIT के द्वारा प्रारंभ किया गया। चैलेंजिंग केस था, परंतु इसको बहुत ही बारीकी से अनुसंधान करके इसका उद्भेदन हुआ है। इसमें करीब अभी 7 लोग पकड़ाए हैं। जो मेन अभियुक्त जिसने गोली मारी है, गोली चलाई है, वो मनीष कुमार उर्फ गोलू है। वो इसी ड्राइवर टोला का रहने वाला है, इसी ने जो है गोली चलाई थी। जो अन्य लोग गिरफ्तार हुए उनकी क्या भूमिका थी? ये सभी लोग साथ में थे। जो दोनों घायल लोग हैं और एक उस घायल में से एक की मृत्यु भी हो चुकी है, तो इनको मारने पीटने में घेरने में ये सभी लोग साथ थे। और इसमें और भी लोग हैं, कुछ लोग और हैं जिस पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग जल्द करेंगे। सर, वजह क्या है अभी जो क्या है अभी जो हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, उसमें जो पूछताछ के दौरान और जो हमारा एविडेंस है उसके अनुसार जो बातें आई हैं, 2010 में जो मृतक है उसके साथ मारपीट की घटना हुई थी और उसमें भैया राम पासवान है उसके साथ मारपीट की घटना हुई थी। उसके बाद मृतक जो है एक साल के बाद किसी और घटना में वो जेल चला जाता है। कुछ महीने पहले जो है, करीब एक साल पहले वो निकलता है। और इन लोगों का कहना है कि वो बदले की भावना से वो हम लोग के साथ कुछ अप्रिय घटना करना चाहता था, जिसके कारण इनका जो अपोजिट जो लोग थे उनके साथ उठता बैठता था, आता जाता था, जिसके कारण इन लोगों ने प्लानिंग के तहत रात्रि को उसको देख कर कि दो लोग थे और कोई नहीं था, तो घेर कर उसको मारा है। जो भी ये घटना हुई है, इस घटना में ये सभी लोग PO पर उपस्थित हैं और हम लोगों के पास और भी प्रूफ हैं और इसमें कुछ और भी लोग हैं जो जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। तो इसमें जो है हम लोग इसका स्पीडी ट्रायल चलाएंगे और ये कटिहार टाउन में एक गोलीबारी की घटना हुई है, इसको हम लोग काफ़ी सीरियसली इसको लिए हैं। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो चुकी है। सर, दिवंगत मेयर जो है शिवा उसका भाई का क्या भूमिका है इसमें? पप्पू सिंह जो मृतक है उसी के साथ लड़ाई हुई थी 2010 में। इनका कहना है, जो लोग पकड़े गए हैं जो गोली मारा है, उसका कहना है कि इन लोगों को डर था कि वो बदले लेने के लिए इन लोगों के एरिया में वो घूमता था और उस दिन भी वो तीसरी बार वो उस एरिया में गया था मृतक जो है, और पहले भी जो है कुछ दिनों से जो है वो उस एरिया में जाता था। सर, चर्चा है कि लॉटरी जो है गेसिंग लॉटरी के कारण इसका इसमें हम लोग जो भी ये पॉइंट है इसमें हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। अभी जब जो बात आई है सामने, मैंने आप लोगों को बता दिया। जिस भैया राम का नाम आ रहा है सर, हथियार तस्कर और शराब माफिया में भी उसके नाम आ रहा है, सारा उसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट
कार्रवाई करेंगे और इस कांड को स्पीडी ट्रायल में चलाएंगे। सर कौन कौन गिरफ्तार व्यक्ति? इसमें मनीष कुमार है, गोलू साबिद अली है, मिलन घोष है, विशाल चौहान, राकेश पासवान, विशाल पासवान, शिबू कुमार और भी कुछ लोग हैं। अभी हम लोग का इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। क्या बरामदगी हुई? अभी हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं इनकी निशानदेही पर, जो बरामदगी होगी हम लोग आपको बता देंगे।